हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ योगेन गौतम योगी व्लॉग्स। और सुबह हो चुकी है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, काफ़ी कोहरा है। आज है 31 दिसंबर, तो साल का आखिरी दिन, और आज मैं आपका दोस्त योगेंद्र गौतम एक नया व्लॉग लेकर हाजिर हो गया हूँ, जिसमें आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं एक तो न्यू ईयर पार्टी शाम को, और कुछ स्पेशल आज है, वो है मेरी मम्मी का बर्थडे। तो आज मम्मी का बर्थडे है, तो चलिए नीचे चलते हैं, मम्मी को विश कर दी। अभी दिन का समय हो रहा है लगभग 9:30, और नहा के मैं ऊपर अभी आया था कपड़े सुखाने के लिए छत पर, तो काफ़ी लेट हो गया आज, क्योंकि यार एक्चुअली रात में ना थोड़ा हम लोग ऊपर ही छत पे बैठ के थोड़ा सा बॉनफायर वगैरह आजकल शौक चढ़ रखा है ना, चूल्हा नया लिया है, तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, रात में हम लोग यहीं बैठे थे, पूरा चेयर वेयर यहीं पड़ा हुआ है अभी, तो यार थोड़ा सा लेट हो गया सुबह उठने में। वैसे तो जल्दी है, इस समय तक तो ममता ऑफिस में होती है और हम घर में लगे होते हैं अपना काम करने में। बाकी चलिए, हालांकि अभी मेरे फेस देख रहे हो आप, थोड़ा सा शेव नहीं हो रखा, ये थोड़ा बचा के रखा है, शाम को पार्टी के लिए लुक बनाना है ना, तो शेव बाद में करेंगे। और चलिए फ़िलहाल मम्मी को विश करते हैं और फिर मिलेंगे। करो वाला समय खूब मंगलमय हो, खूब खुश रहो, मजा कर। यहाँ है शाम की दावत का इंतजाम, हलवा, और मम्मी कर रही है चाय की तैयारी। चलो हम लोग पूजा कर लेते हैं, फिर चलते हैं। पंडित जी हमारे पूजा कर रहे हैं और हम भी हाथ जोड़ लेते हैं। यहाँ और नाश्ते की तैयारी, आज क्या स्पेशल है? आज बन रहा है साबूदाना, साबूदाना खिचड़ी, खिचड़ी साबूदाने की खिचड़ी बन रही है, हम सबकी फेवरेट है। ये आलू हो रहे हैं, यहाँ रखी है चाय। और एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, हमारा पोपट हुआ कि रात में हमने आलू रखे थे, ये आलू जो है वो चूल्हे की आग में रख दिए थे, जिससे कि हम सुबह उठ के इसको मतलब टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है ना भुने हुए आलू होगा, तो देखो क्या हाल हो गया इनका, पूरे राख हो गए, मतलब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, गायब ही हो गया। क्या ही लग रहा है ये, क्या बनाया है ये, ऐसे कौन बुनता है भाई। तो आज का क्या स्पेशल है भाई, पार्टी में क्या करने वाले हो? क्या करने वाले, अभी तैयारियां शुरू होंगी। अगर आप कुछ सडनली पूछ ले तो ये ऐसे ही गायब हो जाती है, एकदम ब्लैंक फेस हो जाता है, मतलब क्या बोलूँ मैं, समझ में नहीं आता कि क्या बोलना, वैसे बोल लेगी लेकिन कैमरे के सामने कई बड़ी शर्माती है ना, शाय सी, वेरी शाय। चलिए कोई नहीं, आज बन रहा है नाश्ता, और नाश्ता बनने के बाद नाश्ता खाते हैं और फिर दोबारा मिलते हैं आपके दोस्तों। आज की तैयारी बड़ी लंबी है, दिन का आज का दिन जो है बड़ा एक्टिव होने वाला है, ठीक है। हाँ मैं बोल दूँ वही, तुम संग में रिपीट कर लो, आज का दिन बहुत हैटिक है, हैटिक नहीं होता है, हैक्टिक होता है, आज का दिन बहुत हैटिक है, हैक्टिक हैक्टिक है। क्या है, आज का दिन बहुत ज्यादा बिजी है, हैक्टिक नहीं बोले, हैक्टिक बोल के दिखो, हैक्टिक। हाँ ठीक है, ये पहाड़ी है ना, वही लड़की बोल नहीं पाती है, हैक्टिक। वैसे पहाड़ी लोग बोल लेते हैं, मतलब इस बात में कोई क्वेश्चन, पहाड़ी मेरे कहने का मतलब ये था कि थोड़ी सी लैंग्वेज अलग होती ना, इसलिए बोला मैंने, बाकी तो कोई बात नहीं, बाकी तो सब बराबर है, सब अच्छे। आज हमारी गाड़ी बहुत दिनों बाद सफाई होते हुए, मेहनत हो रही है आज बहुत, चढ़ चढ़ के पोछा जा रहा है इसे, देखिए शाइन कर रही है, चमका दी गई है ऑलमोस्ट। इसका श्रेय जाता है मुझे। गाड़ी आज मिलने का बहुत दिन हो गए, मम्मी के बर्थडे पे इसको भी तैयार देते हैं, है ना। यार इस पे स्क्रैच भी आ गई ना, ऊपर क्या चाह रही है, पूछने से आए पता, कपड़े से रब करने से। अच्छा
चलो फिलहाल साफ हो गई, चमक गई है। आप बीच में पेट्रोल डलवाते हैं क्योंकि बहुत दिन से इसको खाना भी नहीं खिलाया। खिलाओ पिलाओ, खिलाते सर्दी में इसको भी घुमाते हैं फिर आते हैं। गाड़ी अंदर से ही साफ होगी। श्री गणेशाय नमः। निकल पड़े हैं हम दोनों छोटी सी राइड पे। किस तरफ जाएंगे हम? अच्छा इस तरफ जाएंगे। डेलापीर से वहां से भर पाएंगे क्या? संजय नगर पेट्रोल पंप। और दुम 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 दुम, हमारे रोड की हालत काफी है। ये है अपना मॉर्निंग व्यू राजे नगर। अप्रोक्स 10:30-11 बज रहे हैं। हल्का हल्का कोहरा है। ये है अपना बाकी बिहारी मंदिर। जय श्री कृष्णा। सो पेट्रोल पड़ गया है हमारी गाड़ी में। अब नेक्स्ट क्या है इसका? पेट्रोल पड़ गया है, जाओ 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 जाओ, जाइए जाइए। पेट्रोल पड़ गया है, अब मम्मी का गिफ्ट लेना है तो मम्मी का गिफ्ट मैं सोच रहा हूँ कि बाइक से आके ले लें क्योंकि काफी भीड़ में जाना पड़ेगा। भसड़ मच रही है क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और देर में देर हो जाएगी अगर वैसे गए। लंच करके अभी आ गए और अभी मेरी सांस थोड़ी सी चल रही है भाग भाग के, थक गया यार, बहुत देर से चक्कर लगा रहे हैं। और अभी जाना है केक वगैरह देखने, मार्केट जाना है जैसे कि आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो अब रेडी हो गए, ममता हो रही है रेडी, सॉक्स पहन रही है, फिर निकलते हैं। और देखो अभी तक शेव नहीं कर पाया, मैं सुबह से बोल रहा था टाइम ही नहीं मिल रहा, अब आके करूँगा। ये भी काम बाकी है, ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप लोगों को कि ऐसे गंदा गंदा घूम रहा है। तो आके शेव करेंगे, पहले तो अभी केक का देख लें और क्या देख लें, गिफ्ट मम्मी के लिए, गिफ्ट एंड केक, ये दो काम करके आते हैं। केक की चीज़ें देख लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। फिलहाल अगर हुआ तो मार्केट में दिखाएंगे आपको थोड़े से किस तरीके के केक्स हैं, वरना घर आके सीधे मिलते हैं। चलिए तो भाई शॉपिंग तो हो गई है, मतलब लगभग हो गई है, केक का बचता है तो केक के लिए आ गए हैं 8:24 पर। और अभी अंदर चलते हैं, केक डिसाइड करते हैं। डन विथ शॉपिंग एंड ऑल, और अब बनाना रह गया है खाना शाम के लिए। फिलहाल दिन के 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं सर, 2:30 बज रहा है। तो अभी थोड़ी सी धूप ले ली जाए, भाग भाग के थक गए, थोड़ा सा रेस्ट हो और फिर उसके बाद फिर दोबारा लगते हैं काम पर। सेकंड राउंड पे है, अब सेकंड राउंड चालू होगा और मिलते हैं आपसे शाम को। तो भाई शाम के बज गए हैं 5:30 और किचन में आ गए, डिनर रेडी हो रहा है, इधर ग्रेवी तैयार हो रही है और इस तरफ ममता मैडम आटा तैयार कर रही है, आटे की पिटाई कर रही हैं और खाना तैयार करते हैं, फिर खुद भी रेडी होते हैं। तो चलिए अब डिनर बन जाए, फिर उसके बाद रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई इवनिंग सेलिब्रेशंस चालू हो चुके हैं, हमारी बर्थडे गर्ल बैठी हुई है पीछे। तो केक इज रेडी, चलो केक कटिंग करते हैं। पापा ने निकाला है अपना पुश्तैनी कोट ठंड की वजह से, ठंड ज्यादा हो रही है, पापा को ज्यादा लग रही ठंड। और वो कौन सी वाली टोपी होती है, वो नेपाली नेपाली वाली टोपी। ये Happy birthday to you, happy birthday to mommy, happy birthday to you. Wow, बहुत अच्छी स्पार्कली है चलती। इसको कहते हैं नेचुरल सेलिब्रेशन। Happy birthday to you. Happy birthday.
पहले तो दादी लगा दो। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट जाओ। नहीं मम्मा प्यारी मम्मा जाओ जाओ आप जाओ। साल साल के दिन हो 50,000। शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया। ये तुम हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी। ये ऑटोमेटिक वाले लाया हो ना मैं, जब कोई सेलिब्रेशन हो तो अपने आप कटेंगे। प्रिपरेशन की हम लोग बात कर रहे थे, मेरे बाल थोड़े से गड़बड़ हो गए क्योंकि मैंने कैप लगा ली थी, ठंड हो रही ना इसलिए। और पनीर टिक्का रेडी हो चुका है, कुछ रेडी हो चुका है, कुछ हो रहा है नीचे, मम्मी पापा के लिए भिजवा दिया है। बाकी आपको दिखाता हूँ कैसा हो रहा है। देखिए ये देखो, पनीर टिक्का इज गेटिंग रेडी। मस्त हो रहा है ना, सेलिब्रेशन चालू है। आई होप आप लोग भी अच्छे से मज़े कर रहे होंगे। तो अभी थोड़ी देर में और मज़े करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे दोबारा, तब तक पनीर टिक्का एंजॉय करते हैं। और फिलहाल अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:45, तो अभी तो टाइम है नए साल में। फिलहाल मम्मी के बर्थडे के लिए जो डिनर हमने बनाया था वो रेडी है, खाते हैं। और डांस वगैरह का प्रोग्राम अभी थोड़ी देर में चालू होगा। फिलहाल देखो बच्चे कैसे बैठे हैं, आपको दिखाता हूँ। ये बैठी हमारी पंगत छत पे, मतलब नया साल को ऐसे कैसे मना सकता है। नया साल जो है वह आज छत पे मन रहा है। ममता लेके आई डिनर ऊपर ही, मम्मी पापा को डिनर करवा दिया गया है नीचे ही। और इस बार जो है नया साल बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और हम जो है ना आप लोगों को विश कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपका और हमारा नया साल बहुत अच्छा गुजरने वाला है। तो प्लीज़ 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 ने शेयर नहीं करा वो शेयर करें, लाइक करना है, कमेंट करना। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से व्लॉग में। टिल देन योगेंद्र गौतम साइनिंग ऑफ। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। यो एक सेकंड, फिर से बोल। हैप्पी न्यू ईयर।